है प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान आजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार। खंडवा सिवनी में सभा, दो बड़े नेता बेटों को सेट करने में लगे। ईडी की नोटिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे गिरफ्तार कर लोगे लेकिन मेरे विचार सोच को नहीं, गोली मरवा दो, मरने के बाद भी सोने नहीं दूंगा। मिजो संस्कृति को बर्बाद करने पर तुली है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। मिजोरम के संसाधनों की सुरक्षा के लिए खड़ी है कांग्रेस। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर दिल्ली, डीजल गाड़ियों पर बैन। कंस्ट्रक्शन पर भी लगी पाबंदी, दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर सख्त एक्शन लेगी एथिक्स कमेटी। संसद से अयोग्य घोषित करने की तैयारी। आचार समिति में बीजेपी सदस्यों का बहुमत। मुझे नहीं पता था कि सत्ता पाने की लालसा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब दुबई के रिमोट से संचालित होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ के सीएम पर बयान। मैं ही महादेव बेटिंग ऐप का मालिक, सीएम भूपेश बघेल के कहने पर गया दुबई। आरोपी शुभम सोनी ने किया दावा। गुजरात में आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन। राम मंदिर समेत खास मुद्दों पर चर्चा। संघ नेताओं से मिले सीएम भूपेश पटेल। केंद्र ने महादेव बेटिंग ऐप समेत 22 सट्टा एप्लीकेशन पर लगाया बैन। कहा छत्तीसगढ़ सरकार नहीं रोक सकी, ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। एनआईए ने हिजब उत तहरीर आतंकी मॉड्यूल से संबंध रखने के मामले में चार्जशीट दायर की है। 17 लोगों को किया नामित। संगठन ने पनी गतिविधियों को गुप्त रखा। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया दावा भारतीय राष्ट्रीय समिति की बनेगी सरकार, हम जीतेंगे 9 सीटें। अकबरुद्दीन ओवैसी 1999 से जीत रहे चंद्रायन गुट्टा सीट से चुनाव। हमास ने स्विमिंग पूल, खेल के मैदान और पार्कों को बनाया बैटल ग्राउंड। आईडीएफ ने किया दावा खेल के मैदान और पार्क में मिला रॉकेट लॉन्चर। मणिपुर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, फिर बढ़ाया इंटरनेट पर बैन। जातीय हिंसा में अब तक 180 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। मणिपुर में 3.1 की तीव्रता का यह भूकंप जमीन में 30 किलोमीटर गहराई में था। केंद्र भूकंप के चलते 187 लोगों की मौत। इसराइल हमास वॉर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईरानी विदेश मंत्री के साथ चर्चा। गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने पर दिया गया जोर। हमास इसराइल के बीच जंग। मौलाना अरशद बदनी का बयान। फिलिस्तीन को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा देश की आजादी के लिए लगातार सक्रिय है। गोंडा में दीपावली के मौके पर विशेष अभियान की शुरुआत। जिला प्रशासन की अनूठी पहल, प्रदेश के लिए मिसाल बनेगी हर घर ने की दीवार। हरदोई में दो पक्षों के बीच मारपीट, पीड़ित ने चार के खिलाफ दी तहरीर। विवाद में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में ऑटोमेटिक प्लांटर का हुआ वितरण। सहायक उपाध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। गन्ना उत्पादन लेने के लिए केन प्लांटर बांटे गए। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। त्योहारों को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। शांति और सौहार्द के साथ मनाए त्योहार। 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी।
एमपी में विधानसभा चुनाव का घमासान, दिग्गजों का तूफानी दौरा, दो दिवसीय एमपी दौरे पर मायावती। मायावती भरेंगे चुनावी हुंकार। प्रदूषण का कहर, सांसों पर असर, दिल्ली से यूपी तक हवा हुई जहरीली, बिगड़ी लखनऊ की आबो हवा, लखनऊ का AQI 274 तक पहुंच गया। अंबेडकर नगर में दबंगों का आतंक, दबंगों ने व्यापारी की दुकान में की लूट, विरोध करने पर व्यापारी को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरैया में गौवंशों से भरा कंटेनर पलटने से मचा हड़कंप, कंटेनर पलटने से कई गौवंशों की मौत, मृतक गौवंशों को जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर किया दफन। बदायूं में एसओजी सिपाही की सरेआम गुंडाई आई सामने, ऑटो चालक को मामूली बात पर बेरहमी से पीटा, ऑटो बाइक से छू जाने के बाद सिपाही ने जमकर की पिटाई। लखनऊ में सीएम योगी ने त्योहारों के मद्देनजर की अहम बैठक, अधिकारियों को सीएम योगी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश, 21 लाख दीपों से जगमग होगी इस बार अवधपुरी। लखनऊ में एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी, स्कूल जा रही बस हुई हादसे का शिकार, बस में सवार कई बच्चों को लगी गंभीर चोट। लखनऊ में नगर निगम के अभियान से दुकानदारों में गुस्सा, गंदगी फैलाने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना, जुर्माना लेने के दौरान फूटा दुकानदारों का गुस्सा। प्रयागराज में गांजे की खेती को पुलिस ने कटवाया, कई दिनों से हो रही थी गांजे की खेती, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद। औरैया में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, दो साथियों ने मिलकर की थी हत्या, पैसों के लेनदेन की बात आई सामने, पुलिस ने दो युवकों से की पूछताछ। औरैया में लोगों को मिली बड़ी राहत, जिला अस्पताल में होगी डेंगू की जांच, अब तक सुविधा नहीं थी उपलब्ध, चिकित्सक टीपी मिश्रा और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। हरदोई में ओपी राजपाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश नहीं चाहते कांग्रेस मजबूत, वो अखिलेश नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए एनडीए से हटकर सहयोग कर रहे। मुरादाबाद में अनियंत्रित कार हाईवे पर पलटी, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान, हादसे में कार में लगी आग। रायबरेली में अधेड़ ने मासूम के साथ की दरिंदगी, आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस परिजन, आनन फानन में बच्ची को लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। गोंडा में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की हुई मौत, मृतक युवक भगवानपुरवा कुमरौरा गांव का निवासी बताया जा रहा, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। कन्नौज में नाले में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, अब तक 44,000 सड़कों को किया गया गड्ढा मुक्त। लखनऊ में योगी सरकार का 2.0 का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार, जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछड़े वर्ग को मिलेगी खास तवज्जो, जातीय जनगणना की काट ढूंढने में जुटी है बीजेपी। लखनऊ में ओवर स्पीडिंग वाहनों की अब खैर नहीं, आरटीओ ने दस्ते में शामिल होगा हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन, परिवहन विभाग प्रदेश भर में देगा वाहन। पश्चिम से पूरब तक हवा में घुल रहा जहर, कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में, पछुआ के चलते पश्चिम से प्रदूषण तत्व पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। बाप बना हैवान, पैर पकड़कर बेटा बेटी मां की जान बख्शने के लिए करते रहे मिन्नतें, निर्दयी आदित्य का ना पसी जदल।
गोरखपुर में देख समझकर ही खरीदे मिठाई वरना हो जाएंगे बीमार। त्यौहार में रखे विशेष ख्याल, मिठाइयों की शुद्धता पर रखना बड़ा मुश्किल। हसनपुर में बुखार से किसान की मौत, ग्रामीण इलाकों में बढ़े मरीज, जिला अस्पताल में नहीं मिल रहे बेड। पीपे वाले पुल से बाइक समेत नदी में गिरा युवक, हादसे के बाद भी लोगों का आवागमन जारी, फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को रेस्क्यू किया गया। शामली के युवक की सोनीपत में गोली मारकर हत्या, कपड़ों की फेरी लगाता था शाकिब, बहालगढ़ पुलिस ने अज्ञात मामले में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। अब मोबाइल ऐप से बिजली बिल भुगतान करने पर मिलेगी 1.5% की छूट, साथ में फायदा भी मिलेगा। फर्जी एनओसी पर निर्माण, वन विभाग कराएगा एफआईआर, मसूरी वन प्रभाग के तहत मामला आया सामने। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा का नया रिकॉर्ड, 55 लाख के करीब पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15-18 नवंबर को बंद होंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के अंदर केमिकल में लगी आग, मजदूरों में मची अफरा तफरी, डीडीआरएफ का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा। हेली सेवा के नाम पर नोएडा के यात्री से ठगे, 1.17 लाख रुपए, नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दो दोस्तों के विवाद में बीच बचाव करा रहे युवक को लगी चोट, इलाज के दौरान हुई मौत, आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सात जन्मों के रिश्ते का खौफनाक अंत, कोतवाली पहुंचा पति, बोला पत्नी के अवैध संबंध के कारण उसे मार डाला। विजिलेंस की कार्रवाई, 5000 रुपए की रिश्वत देते हुए सिपाही गिरफ्तार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। उत्तराखंड की सोनिया सिंह ने बढ़ाया मान, कयाकिंग और कोनोइंग में जीता सिल्वर मेडल, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। यात्रियों के लिए राहत की खबर, दिवाली पर प्रदेश भर से दिल्ली के लिए चलेंगी 53 अतिरिक्त बस, बसों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। धाम पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 दिन एकांत में रहेंगे राहुल गांधी, साल 2013 की आपदा के बाद भी केदारनाथ धाम आ चुके हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देवभूमि के कड़कड़ में भगवान, देहरादून में 5 दिन का दरबार, मंच पर सबसे पहले संतों ने सनातन की हुंकार भरी। गैर सांप्रदायिक की युवती से शादी करने के लिए युवक ने रची खौफनाक साजिश, भिखारी को उतार दिया मौत के घाट, सरकारी पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में केदारनाथ धाम शिखर पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को मिला पहला स्थान। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण, जल्द कैबिनेट के सामने पेश होगा प्रस्ताव, महिला सशक्तिकरण नीति को केंद्र में रखा गया। सूडान की राजधानी खार्तूम में बम ब्लास्ट, ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत, सूडान अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश है। इसराइल का मास्टर प्लान गाजा को कर देगा तबाह, आईडीएफ का दावा, 2 हिस्सों में बांट दिया शहर गाजा में, तीसरी बार कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद।
भारत ने नेपाल के साथ निभाई दोस्ती, एयरफोर्स के विमान से भेजी 10 करोड़ की राहत सामग्री, जल्द जाएगी दूसरी खेप। गाजा पर परमाणु बम गिराने का दिया था सुझाव, अब इजरायली सरकार ने मंत्री पर लिया एक्शन, विपक्ष ने की बर्खास्त करने की मांग। गाजा में एक और शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का हमला, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, लोगों को इलाज की जरूरत। अचानक वेस्ट बैंक पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात, गाजा में लगभग 9,800 लोग मारे गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी रॉन का उड़ाया मजाक, कहा फ्लोरिडा के गवर्नर आसमान से घायल होकर गिरने वाले पक्षी हैं। गाजा पर परमाणु बम गिराना भी एक विकल्प है, बोले इजरायली मंत्री, तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया रिएक्शन, एलियाहू सुरक्षा कैबिनेट का हिस्सा नहीं। नेपाल में भूकंप से मची तबाही, दहशत में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हुए सैकड़ों पीड़ित, मलबे के नीचे दबे हैं लोगों के सामान। गाजा में युद्ध विराम के मुद्दे पर भड़के मुस्लिम नेता, अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनाई खरी खोटी, गाजा में युद्ध विराम का मतलब आतंकियों को प्रोत्साहन करना। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में उछाल, 471 अंक ऊपर चढ़कर 64,800 के पार। अश्नीर ग्रोवर ने शार्क टैंक में 12 जज होने पर कसा तंज, बता डाला इसे जजों का ही ऑडिशन, अश्नीर एक साल पहले ही शो को छोड़ चुके हैं। अब भारत में रॉकेट बनाएगी फेमस विदेश कंपनी, डिफेंस सेक्टर का पहला 100% एफडीआई मंजूर, साफ ने रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। सुधरने लगा घरेलू शेयर बाजार, दो हफ्ते के बाद आई तेजी, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों भी बाजार को प्रभावित कर रही है। बाजार से कमाई करने की बारी, इस हफ्ते के दौरान कई शेयर होंगे एक्स डिफेंडेंट, निवेशकों के लिए कमाई के लिए नए मौके खुल रहे हैं। इस दिवाली एसबीआई पीएनबी समेत कई बैंक दे रहे ग्राहकों को होम लोन पर तगड़े ऑफर्स, ग्राहकों को होम लोन ऑफर किया जा रहा। कर्मचारियों पर हो गया मालिक मेहरबान, दिवाली से पहले गिफ्ट में दे दी कई लोगों को कार। गैर जरूरी वस्तुओं का पीएलआई ने घटाया आयात, गुणवत्ता मानदंडों से मिली मदद, सैंडल और सोल के आयात में गिरावट देखी गई है। अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सरकार को हर साल लगा रही 3,000 करोड़ की चपत, ये कंपनियां कानूनी रास्ते से एसएमएस भेजने से बच रही हैं। आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना, दो अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी हुई कार्रवाई। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा हुए ठगी का शिकार, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व मैनेजर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, बाप बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया कर रही थी सेमीफाइनल और फाइनल की तैयारी, स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किया खुलासा। भारत की बेटियों ने किया कमाल, फाइनल में जापान को हराकर जीता गोल्ड, भारतीय टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया।
अगर वो रन नहीं भी बनाएगा तो मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के लिए कही बड़ी बात। सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली है वनडे क्रिकेट के असली बादशाह, रिकॉर्ड 49वां शतक लगाकर किया साबित। विराट ने अपने करियर में अभी तक कुल 289 वनडे मैच खेले। प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली बोले, सचिन तेंदुलकर मेरे हीरो हैं, वो शानदार बल्लेबाजी के काफी इमोशनल पल। टीम इंडिया ने इनफॉर्म साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर नंबर वन पर जमाया कब्जा। टीम ने 8 मैचों में जीत दर्ज करके 16 अंक हासिल कर लिए। वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज सुनील नारेन ने लिया संन्यास। क्रिकेटर के खिलाफ धोनी नहीं लगा पाए थे एक भी छक्का। सुनील ने 4 साल से एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में झारखंड की बेटियों का जलवा। 7 साल बाद भारत फिर बना विजेता। जापान को 4 गोल से दी मात। हार्दिक के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर चीफ कोच राहुल द्रविड़ बोले, पिछले 4 मैच उनके बिना खेले, छठे गेंदबाज के लिए सूर्य और विराट विकल्प। अनुष्का शर्मा के गाने पर पति विराट कोहली ने मैच के दौरान किया डांस। वायरल हुआ वीडियो, किंग ने कॉपी किया शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप। बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसें गिन रही है तेजस एक्ट्रेस कंगना रनौत की। फिल्म के लिए मुट्ठी भर कमाई कर पाना भी हुआ मुश्किल। पति रणबीर को ट्रोल करने वालों को एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बोली, कभी कभी बहुत सारे झूठ होते हैं। एनिमल स्टार को दिया गया था टॉक्सिक पति का टैग। लोग मुझे रिव्यू में कहते हैं कि आप गंभीर रोल्स में अच्छे लगते हो। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के बायोपिक करना चाहते हैं विकी कौशल। आला रियाला सूर्यवंशी आला अक्षय कुमार ने हेलीकॉप्टर से लगाई छलांग। सामने आया एक्टर का फर्स्ट लुक। सोनाली बोस को दोबारा हुआ कोविड, घबराए द स्काई स्पिंग की डायरेक्टर, कहा बहुत परेशान हूं, फैंस ने मांगी दुआएं। अल्पेश यादव मेनका गांधी पर मानहानि का केस करेंगे। सांप तस्करी मामले में फंसाए जाने पर कहा किसी को छोड़ूंगा नहीं। सिंगर अरिजीत के लाइव कॉन्सर्ट पहुंचे रणबीर, घुटनों के बल झुककर किया सलाम। फैंस की खुशी का ठिकाना ना रहा। कृति सनन लिपस्टिक लगाती आई नजर। ब्यूटी और लाइफस्टाइल फेस्टिवल में पहुंची, अपने ब्रांड हाइफिन के लिए बाम रिवील किए। सैतालीस की उम्र में शादी करने वाले हैं रणदीप हुड्डा। 10 साल छोटी गर्लफ्रेंड से करेंगे सीक्रेट मैरिज। मुंबई में नहीं होंगे फंक्शंस। शतक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।